नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूँ अभिषेक मिश्रा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो दोस्तों आज का मेरा ये टॉपिक है, जो मर्चेंट नेवी में वेजेस होते हैं वो वेजेस किस करेंसी में होते हैं? क्या वो डॉलर है, क्या सिंगापुर डॉलर है, US डॉलर है, या फिर यूरो में है, या फिर इंडियन रुपीज़ में है दोस्तों, या फिर इटली का जो जिस भी कंट्री का जो करेंसी होता है उस करेंसी में है। सो ये बहुत लोगों को डाउट होता है एंड सैलरी का भी क्लेरिफिकेशन में बहुत लोगों को डाउट है कि जैसे कि मान लो कोई एक कैडेट है, सपोज दैट मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, या कोई एक DTSM है, तो आखिर उसकी जो वेजेस है, कहीं पे मान लो कैडेट की जो सैलरी होती है वो $500 है, कहीं पे 800 है, कहीं पे 200 है। सेम लाइक दैट जो OS होता है या ट्रेनी OS या DTSM ट्रेनी सीमेन, तो उसका भी यही है, कहीं पे सैलरी उसकी 500 है, कहीं 800 है, कहीं 100 है, तो कहीं तो के अभी तक इसमें डाउट है कि लोगों को इसमें कोई गाइडलाइंस, आखिर इसकी गाइडलाइंस क्या है, जो वेजेस की गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से सैलरी है या किस हिसाब से है, तो इसमें काफ़ी लोगों को डाउट है। तो दोस्तों ये सब आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बट अगर आप ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ करेंसी पे, आखिर करेंसी क्या होती है, जो मर्चेंट नेवी में जो शिपिंग इंडस्ट्री में है वो करेंसी किस में है। तो जैसे कि सपोज डैट आप इंडियन कंपनी में सेल कर रहे हैं, तो अभी ये कैसे पता चलेगा कि इंडियन कंपनी कौन सी है, फॉरेन कंपनी कौन सी है, ITF कौन सा है, कोस्टल वेसल कौन सा है। सो दोस्तों ये सब कंपनी के जब आप उसकी साइट खोलेंगे तो वहाँ पे क्लियर दिया रहता है कि इंडियन कंपनी है। और दूसरा चीज़ जो शिप होता है ना, उसका फ्लैग है, जैसे अभी मान लो इंडियन फ्लैग है किसी शिप का फ्लैग, आप कहीं पे भी गूगल पे जो भी शिप आपको अलॉट हुआ है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैं एक शिप का नाम लेता हूँ बाल्टिक स्कॉर्पियन, इसको मैंने टेक ओवर किया था 2017 में, तो अभी आप इसका जो 2017 में अभी इसको गूगल पे आप डालेंगे बाल्टिक स्कॉर्पियन मरीन ट्रैफिक, तो वहाँ पे इसका फुल डिटेल आ जाएगा कि शिप का लेंथ कितना है, फ्लैग कितना है, शिप का लास्ट पोर्ट क्या है, और शिप अभी कहाँ पे है, इसमें पोजीशन वगैरह भी आ जाती है, और शिप पे क्या क्या इंस्पेक्शन हो वगैरह हुए हैं। तो उसके लिए आपको इक्वेसिस में अपना ईमेल खोलना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लिंक में भी मैं डाल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा equasys.org, तो वहाँ पे भी दिया रहता है कि शिप में क्या क्या डेफिशिएंसी आई है, कौन कौन से इंस्पेक्शन हुए हैं, ये सारा दिया रहेगा। तो अभी बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा कि हाँ, तो अभी हमारा टॉपिक था कि अभी पता कैसे चले कि शिप इंडियन है या फॉरेन है या किधर से है शिप। तो इसके लिए आपको मरीन ट्रैफिक टाइप करना है, शिप का नाम, जो भी शिप आपको अलॉट हुआ है, और उसके बाद मरीन ट्रैफिक, वहाँ पे शिप की पूरी डिटेल आ जाएगी, लेंथ आ जाएगा, फ्लैग आ जाएगा, शिप अभी शिप की करंट पोजीशन, जो उसका AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, AIS डाटा, शिप का आपको सारा पता चल जाएगा। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि शिप कहाँ से रिलेट है। अभी जैसे ये मैं बाल्टिक स्कॉर्पियन की बात कर रहा था शिप की, तो ये इसका जो फ्लैग है वो मार्शल आइलैंड फ्लैग है, तो मार्शल आइलैंड साफ पता चलता है कि यहाँ इंडियन नहीं है। ऐसे ही आप अगर किसी दूसरे शिप का मान लो डालते हो, सपोज डैट आप शिप का नाम डाल देते हो TCI XPS या TCI शक्ति, TCI का कोई भी, या अंबुजा का कोई शिप का नाम डाल देते हो, तो उसमें आप देखेंगे तो उसका फ्लैग के बारे में दिया रहेगा, फ्लैग इंडियन। जहाँ पे ये इंडियन फ्लैग आ गया, मतलब आपकी जो सैलरी है सबसे पहले वो रुपीज़ में मिलेगी। यस, जी हाँ, आपकी जो सैलरी होगी रुपीज़ में होगी, और टैक्स भी आपका लगेगा, टैक्स भी लगेगा जिनकी सैलरी, अब वो रैंक के हिसाब से है। अभी कैडेट बेचारा क्या टैक्स देगा, उसकी $500 है, मान लो 30,000 रुपये है, और इंडियन जो है वो इंडियन वेजेस, उनकी अलग गाइडलाइंस है, जो मर्चेंट शिपिंग MS एक्ट है उसके हिसाब से उनकी अलग गाइडलाइंस है, तो उस हिसाब से वेजेस डिवाइडेड है। अभी बात करते हैं, अभी जैसे मान लो कि कोई इंडियन कंपनी में कैडेट काम करता है, तो उसकी सैलरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000, बहुत ज़्यादा 15,000 उसकी बहुत गुड सैलरी बोली जाती है 20,000 कैडेट की,
वही अगर आप फॉरेन में जाएंगे, फॉरेन गोइंग जो एफजी शिप्स होते हैं, तो वहाँ पे कैडेट के जो वेजेस होते हैं वो अबाउट 500 और 500 से लेके 800, लाइक एंग्लो ईस्टर्न में 500 है, प्लस जो जैसे बल्क कैरियर वगैरह में काम करते हैं, तो 500 को आप मिनिमम में 70, अभी तो 75 रेट चल रहा है, 70 से भी स्ट्रेट अवे करें तो 35,000 हो गया। प्लस क्या है, अभी बल्क कैरियर्स होते हैं उसमें भी अलग अलग ओनर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे बल्क कैरियर शिप पे था मैं, तो केपसाइजर शिप करता था, तो उसमें 9 होल्ड्स होते थे कार्गो होल्ड, तो एक होल्ड का हैच क्लीनिंग का 500 मिलता था, तो 9 कार्गो होल्ड है तो 9 × 5 = $4,500। 4500 को आप 70 से मल्टीप्लाई करा कर दीजिए, अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख के आसपास होगा, तो जो कि डिवाइड होता था जो टोटल डेक क्रू, जैसे मान लो अगर 5 है, 3 ए बी एक बोसन, डी टी एस एम ओ एस 5 या 6 में हो गया, तो वही आपका $600-$700 एक वॉयज में, मतलब मंथली सब लेके कैडेट को $1,000 के आसपास, और एक ए बी एबल सीमैन का जो भी सैलरी है उससे प्लस 700-800 फॉरन गोइंग में, बल्क कैरियर में बता रहा हूँ। सेम लाइक डे टैंकर में, टैंकर की रिक्वायरमेंट होती है टैंक वगैरह की, तो आप फॉरन गोइंग शिप्स में सेल करेंगे जो कि कोस्टल नहीं है। अभी मैं अलग अलग कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक जनरल फॉरन गोइंग IMO की गाइडलाइंस है, तो वहाँ पे डॉलर में वेजेस होते हैं, अंडरस्टूड। और अगर आप इंडियन में हैं, अगर वही एक सपोज रेट इंडियन थर्ड ऑफिसर है, इंडियन थर्ड ऑफिसर को मान लो 1.5 लाख रुपये सैलरी है उसकी, तो उसका 30% टैक्स डिडक्ट होगा, तो 30% उसका 45,000 डिडक्ट होके उसको इन हैंड 1 लाख के आसपास मिलेगा। तो ये इंडिया का रिक्वायरमेंट है, जिसमें फॉर्म 16 भी उसको होता है कि उसने 30% टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो ये इंडियन का रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी किस रैंक में कितनी सैलरी है, आपको ये बताना चाहूँगा। अभी जैसे कैडेट है, तो कैडेट की जनरल जैसे इंडियन शिप्स का मैंने बताया कि अराउंड 15,000 के आसपास होता है, तो वही फॉरेन गोइंग का जो है, फॉरेन गोइंग शिप्स का, हाँ, तो वही इंडियन शिप्स में जो होता है वो अराउंड 15,000 मिलता है, और कैडेट को थर्ड ऑफिसर की अराउंड 1.5 लाख के आसपास होती है, जिसमें 45,000 टैक्स डिडक्ट होगा, एंड सेकेंड ऑफिसर की सैलरी वही 2 लाख के आसपास, जिसमें कि 60,000 उसका टैक्स डिडक्ट करके इन हैंड 1,40,000, और चीफ ऑफिसर की 3.5 या 4 लाख तक, जिसमें 30% टैक्स डिडक्ट होगा, तो आपका 1,20,000 टैक्स में घटा दीजिए, तो इन हैंड 2,80,000 रुपीज़ आते हैं। सेम देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है, अगर यही आप फॉरेन गोइंग में जाएंगे, मैं एक सबसे बेसिक शिप्स की बता रहा हूँ, बल्क कैरियर ड्राई फ्लीट की, अभी मैं टैंकर में नहीं हुआ हूँ, वहाँ के वेजेस डिफरेंट है। अभी आप बल्क कैरियर में जाओगे तो एक कैडेट को मैंने बोला ना $500 मिलता है, जो कि 35,000 प्लस अगर उसको होल्ड क्लीनिंग मिल गई उसको एक या दो, तो उसको 1,000 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा 70, तो 1 लाख के आसपास पहुँच जाता है। बट अगर होल्ड क्लीनिंग भी नहीं मिली तो 35,000 के आसपास होता है, और उसको फॉरेन गोइंग फ्लैग का मिलता है। सो सेम लाइक डैट थर्ड ऑफिसर जो है, थर्ड ऑफिसर के जो वेजेस होते हैं फॉरेन गोइंग में, वो देखो मेरे टाइम में $4,000 मिलते थे थर्ड ऑफिसर को, जो कि अराउंड 2,05,000। तो अभी क्या है, मार्केट सिनेरियो ख़राब हो चुका है, तो अभी थर्ड ऑफिसर के वेजेस घट गए हैं फॉरेन गोइंग में। जो स्टैंडर्ड बल्क कैरियर में अभी वेजेस है अराउंड 2,800 है, जो भी अराउंड 1,80,000-90,000, इसमें आपको कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, कोई टैक्स अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। सेम लाइक डैट सेकेंड ऑफिसर के $4,000 है, मैं ड्राई फ्लीट की बात कर रहा हूँ, वही टैंकर में चले जाओगे तो $1,000 उसमें ऐड कर लेना, तो 4,000 के आसपास है, जो कि अप्रोक्सीमेट 3.2 लाख के आसपास हो गया विदाउट टैक्स। तो ये सेकेंड ऑफिसर के वेजेस हो गए। अभी ये जो चीफ ऑफिसर के वेजेस है वो 8,000 के आसपास है, बिटवीन 7,000-8,000 ड्राई फ्लीट में, और टैंकर फ्लीट में वो अराउंड 12,000 है, एंड मास्टर के वेजेस है 10,500, जो कि अराउंड हो गया 8 लाख के आसपास। तो ये दोस्तों ड्राइव फ्लीट के वेजेस है, और ये आपको डॉलर में है। अगर आपको करेंसी आपका NRI अकाउंट है, NRE और NRO बेसिकली दो होता है, अगर आपका NRE अकाउंट है तो आपका ये स्टेटस है, आपको इतना वेजेस होगा, तो ये क्रिटेरिया है। अब बात करते हैं क्रू की, अभी क्रू का क्या हिसाब किताब है, अभी क्रू का भी वही हिसाब किताब है दोस्तों। फॉरेन गोइंग में एक नॉर्मली जो AB है उसको $1,400 और $1,500 के आसपास मिलते हैं, जो कि अराउंड 1,20,000-30,000 प्लस जो भी होल्ड क्लीनिंग होती है, जैसे सपोज डैट जो भी होल्ड क्लीनिंग होगी उस होल्ड क्लीनिंग का अलग से वेजेस है।
सो दोस्तों ये फॉरेन गोइंग में मिलता है, तो अगर वही आप इंडियन में जाएंगे तो इंडियन में जो एबी है, एबी को ज़्यादा से ज़्यादा है इंडिया में 60-70,000, और उसमें उनका भी कुछ टैक्स डिडक्ट होता है। सो दोस्तों ये वेजेस की फुल डिटेल थी। अब आते हैं इंजन डिपार्टमेंट में भी सेम लाइक डैट इसी तरीके से है, चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। सो ये इंजन डिपार्टमेंट है। सैलून रेटिंग में जो चीफ कुक होता है उसकी भी सेम ऐसा ही है, फॉरेन गोइंग में उसको 1500-1400 डॉलर के आसपास मिलते हैं, एंड जो इंडियन कंपनी है उसमें 50-60,000 मिलते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से सैलरी कैटेगराइज होती है। एंड इसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने आपको बता ही दिया, होल्ड क्लीनिंग वगैरह होता है, और वही अगर आप टैंकर फ्लीट में चले जाएंगे, ऑयल टैंकर या केमिकल टैंकर, उस हिसाब से वेजेस हाई होते जाते हैं। गैस टैंकर में ऑफकोर्स यस, अगर आप एलएनजी या एलपीजी गैस टैंकर पे जाते हैं तो उसमें वेजेस लिटिल हायर है, मतलब उसमें कैप्टन की सैलरी अराउंड 15-16,000 और 18,000-20,000 डॉलर तक भी जाती है, जो कि अप्रोक्सीमेट 15 लाख रुपीज़ पर मंथ हो गई। तो इस तरीके से सैलरी कैटेगराइज होती है। बाकी दोस्तों अगर इस में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपने इसमें आपको अगर शिप में क्या क्या इंस्पेक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, इस रिलेटेड भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आई विल मेक फॉर यू। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना, गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।